हे फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। फैमिली, सभी कोई को सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि। आई होप आप लोग अच्छे से नवरात्रि एंजॉय कर रहे होंगे और सभी सभी को तहे दिल से हैप्पी नवरात्रि। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक लैपटॉप का रिव्यू करने वाला हूँ। अभी तक मैंने थिन एंड लाइट लैपटॉप का रिव्यू कर दिया और अंडर 30,000 लैपटॉप बताया हूँ आपको। वहाँ सारी आपकी बेसिक नीड को पूरा करने वाली थी वो लैपटॉप, लेकिन उस हर लैपटॉप, थिन एंड लाइट लैपटॉप या बेसिक लैपटॉप, सब में कुछ ना कुछ रह जा रहा था कि ये चीज रहता ना तो अच्छा होता, वो चीज रहता तो और अच्छा होता। तो आज वो सब चीज को फुलफिल करने वाली ये लैपटॉप, क्योंकि ये लैपटॉप निकल के आया था गेमिंग सीरीज का। और ये लैपटॉप मैं आपको आज फुल रिव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि ये लैपटॉप निकल के आ रहा है एसर की तरफ से, एसर एस्पायर 7 जो i5 12 जनरेशन के साथ आने वाली है। तो थोड़ी सी बजट को बढ़ाइए और अपनी सारी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये लैपटॉप में काफी सारे फीचर्स है, काफी सारी प्रो है और कुछ कॉन्स भी है जो उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि कोई स्पॉन्सर वीडियो तो है नहीं। तो आपको पूरा फुल जेन्यून रिव्यू मैं देने वाला हूँ, क्या प्रो होने वाला, क्या कॉन्स होने वाला, सब चीज बताने वाला। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और पहली बार इस फेस को देख रहे हो यार, तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आप दूर ना रह सको। तो दोस्तों, वीडियो में बिना बकवास किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले क्विक अनबॉक्सिंग दिखा देता है। ये रहा बॉक्स, इसमें केबल, साथ में 135 वाट का अडैप्टर, साथ में यूजर मैनुअल कुछ, और बॉक्स में कुछ नहीं, और ये सब आपको बॉक्स में मिलने वाला। ये रहा ओवरऑल लुक इसका। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब इसका बिल्ड क्वालिटी का। तो बिल्ड क्वालिटी मैं आपको बता देता हूं, इसका अपर केस आपको अल्मोनियम का देखने को मिल जाता है और इसका मिडिल केस आपको अल्मोनियम का देखने को मिल जाता है। ओपन 100 टेस्ट इसका देखते हैं और ये काफी इजी में खुल जाता है और साथ में ये नीचे थोड़ा कर्व होता है जिससे आपको वेंट मिल सकती है। ये काफी अच्छी फीचर है। तो बात कर लेते हैं इसकी वेट की, तो 1.9 केजी के अराउंड देखने को मिल जाता है, जो कि गेमिंग सीरीज के लैपटॉप में इस वेट में काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। बात करते हैं कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड काफी अच्छी देखने को मिलेगी, बैकलाइट के साथ 3 लेवल ब्राइटनेस लेवल, कीबोर्ड टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा आपको मिलेगा। बात करते हैं अब टचपैड की, तो दोस्तों आपको टचपैड इसमें गेस्चर टचपैड देखने को मिल जाता है, साथ में फिंगरप्रिंट्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों आपको इस लैपटॉप में वेब कैमरा देखने को मिल जाते हैं, जो कि HD रेजोल्यूशन के साथ AI नॉइज डिटेक्शन के साथ आते हैं, जहां आपकी ऑनलाइन मीटिंग वगैरह काफी अच्छी से हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स की, तो आपको इधर साइड एक किंगस्टोन लॉक देखने को मिल जाती है, एक बड़ी सी वेंट देखने को मिल जाती है जहां से गर्म हवा निकलेगी, और दोस्तों बगल में इसकी एक आपको 3.2 का पोर्ट देखने को मिल जाता है, और उसके बगल में आपको स्पीकर जैक देखने को मिल जाता है, और उसके बगल में आपको पावर ऑन इंडिकेटर देखने को मिल जाती है, और साथ में उसके बगल में चार्जिंग की इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है, और इसके अपोजिट साइड में आपको DC चार्जर देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको RJ45 पोर्ट देखने को मिलती है, और इसके साथ HDMI पोर्ट देखने को मिलती है, और यहाँ पे दो आपको 3.2 का पोर्ट देखने को मिलता है, और साथ में आपको Type-C भी पोर्ट इधर देखने को मिल जाती है। बात कर लेते दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी की, तो दोस्तों इसमें आपको Wi-Fi 6E MIUI देखने को मिल जाता है, जहाँ की आपको जरा सा भी लैग नहीं देखने को मिलने वाला, वाईफाई एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने वाला। अब इसकी ब्लूटूथ को बात कर ले, तो इसमें आपको 5.1 वर्जन मिलता है जहाँ आपको ब्लूटूथ भी अच्छी मिल जाती है। तो दोस्तों, बात कर लेते इस लैपटॉप की प्रोसेसर की, तो दोस्तों इसमें दो चीज इस लैपटॉप को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है कि इसकी CPU और एक इसकी GPU। तो दोस्तों इसकी CPU आपको आ जाती है i5 12 जनरेशन के साथ H वेरियंट, जो की काफी पावरफुल है। साथ में आपको इस लैपटॉप में डुअल फैन देखने को मिल जाता है, ट्रिपल थर्मल पाइप देखने को मिल जाता है, और मल्टीपल कूलिंग भी आपको इस लैपटॉप में देखने मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब इस लैपटॉप में 4GB की आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाती है, जहां आपको ऑल ओवर इसमें सारी ग्राफिक की चीज आप कर सकते हैं, जैसे ऑटो कार्ड, ग्राफिक डिजाइनिंग, अच्छे लेवल के गेम, ये सारी चीज आप इसमें कर सकते हो। कर लेंगे इस लैपटॉप के डिस्प्ले की, तो आपको इस लैपटॉप में आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 1080p में मिल जाता है, और वो IPS पैनल डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ 2500 निट्स ब्राइटनेस भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, जहां आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, साथ में आपको 45% निट्स ये आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इस लैपटॉप में आप अच्छी खासी डिस्प्ले का भी एक्सपीरियंस ले सकते हो डिसेंट लेवल में। तो बात करते हैं दोस्तों इस लैपटॉप की स्पीकर
स्पीकर की, तो दोस्तों इसमें आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाती है, स्टीरियो स्पीकर, जहां आपको इसकी साउंड टेस्टिंग भी मैं दिखाता हूं। दोस्तों बात कर लेते हैं इस लैपटॉप में, तो आपको 16 GB का DDR4 रैम देखने को मिल जाता है 3200 mAh की, और साथ में आपको 512 GB की SSD देखने को मिल जाती है NVMe SSD Gen 4, जो कि काफ़ी अच्छा आप क्विक और फास्ट कर सकते हैं दोनों अपग्रेड वाला रैम 32 GB SSD 2 TB तक। साथ में आपको इस लैपटॉप में 3 सेल की लिथियम आयरन बैटरी देखने को मिल जाती है, कंपनी 8 आवर्स तक क्लेम करती है। तो अब इसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर लेते हैं। सिनबेंच में स्कोर कुछ ये रहा और जिगबेंच में स्कोर कुछ ये रहा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं। अब हम लोग इसका गेमिंग टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका लाइव गेमिंग टेस्टिंग, यहाँ आप देख सकते हैं वैलोरेंट में आपको FPS काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, और साथ में GTA में 80-84 के अराउंड आपको देखने को मिल रही है। ये क्यों कम है ये भी मैं आपको प्रो और कॉन्स में आगे बताता हूँ। मैं आपको कुछ दोस्तों एडिटिंग का रिव्यू दे देता हूँ। दोस्तों एडिटिंग में आप दोस्तों इसमें वीडियो में आप काफ़ी अच्छे लेवल तक आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो, अच्छी लेवल का आप रेंडर कर सकते हो, अराउंड 4K लेवल तक आप इसमें वीडियो एडिट कर सकते हो अच्छे से। प्रो लेवल 8K तक तो नहीं जा सकते हो, लेकिन हाँ दोस्तों आपको इसमें फोटो में आप काफी प्रो लेवल तक भी आप कर सकते हो। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देख लिया हो, दोस्तों पूरा वीडियो मैंने नॉर्मल अनबॉक्सिंग की और साथ में इसकी पूरी फीचर्स और रिव्यू बताने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों अब बात कर लेंगे इस लैपटॉप का प्राइस का, तो अभी आप फ्लिपकार्ट पे जाके चेकआउट करोगे तो ये लैपटॉप आपको 52,000 पे अवेलेबल है, लेकिन अगर आप यहाँ कार्ड डिस्काउंट लगाते हैं तो आपको 49,000 पे ये डील मिल जाती है 16 GB वेरियंट वाला। लेकिन अगर आप इस लैपटॉप को 8 GB वेरियंट वाला लोगे तो आप इसमें कार्ड डिस्काउंट लगा के अंडर 45,000 ये लैपटॉप को आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप जाके चेकआउट भी खुद से भी कर सकते हो करंट प्राइस। सो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों लैपटॉप की कुछ प्रो और कुछ कौन से दोस्तों। तो ये प्रो और कौन से दोस्तों मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी बताऊंगा, और साथ में मैंने काफी सारी रिव्यू देखी वेबसाइटों पे, चैनलों पे, काफी जगह देखने के बाद मुझे कुछ मैं खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस किया 4 कॉन्स जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहला बैटरी बैकअप, दोस्तों काफी लोग ने बोला कि खराब है और कहीं ना कहीं मैंने भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया हूं, बट दोस्तों वो मेजर रीजन नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं एक्चुअली में क्या, आपका ये लैपटॉप i5 12 जनरेशन के साथ आता है जो कि H वेरिएंट का है। सो दोस्तों अगर आप देखोगे तो कंपनी क्लेम करती है 8 आवर्स तक आपको इस लैपटॉप में बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, तो लेकिन अगर कंपनी 8 आवर्स बोलती है तो आप उसको मान के चलो 60% ही आप बैकअप मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इसमें ग्राफिकल काम करने वालों हो और गेमिंग वगैरह करने वाले हो तो अराउंड आपको इसमें 2 आवर्स की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है। और साथ में दोस्तों अगर आप इसे नॉर्मल यूज करोगे एज ए बिजनेस पर्पस के लिए, नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए, तो आपको यहाँ 4 घंटे की आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी बैटरी बैकअप तो नहीं है, लेकिन हम मतलब शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसेसर इसमें एफिशिएंसी वाली लगने वाली है। साथ में 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक के साथ आती है, तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं बैटरी कंज्यूम करेगी ही करेगी। दूसरा अगर बात कर ले दोस्तों तो डिस्प्ले का, दोस्तों आपको यहाँ 100% sRGB नहीं मिलती। अगर आप यहाँ प्रो लेवल की अगर आप यहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करते हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत मिल सकती है, लेकिन ये प्रो लेवल वालों के लिए, अगर आप ऐसे नॉर्मल एक स्टूडेंट हो तो आपको ये इतनी डिफरेंस आपको पता नहीं चलने वाली है। और दोस्तों तीसरी बात दोस्तों इसकी स्पीकर, दोस्तों स्टीरियो डुअल स्पीकर के साथ ये लैपटॉप आता है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं जो लाउडनेस इसमें होना चाहिए था वहाँ कहीं ना कहीं कुछ कम देखने को मिला, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो दोस्तों ये थी तीसरी। और चौथी का अगर बात कर ले दोस्तों तो आपको इस लैपटॉप में वेंट का थोड़ा सा हीटिंग इशू देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग के वजह से दोस्तों, अगर आप इसकी डिजाइनिंग को अगर आप देखोगे दोस्तों तो इसकी जो आगे में जो वेंट दी हुई है जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, ये दोस्तों कहीं ना कहीं एकदम स्क्रीन के सामने है। लेकिन अगर आप जब ये लैपटॉप को 3 से 4 घंटा अगर आप गेमिंग के लिए यूज करते हो या आप ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करते हो तो कहीं ना कहीं जब इससे हॉट एयर निकलती है तो डायरेक्ट स्क्रीन पे लगती है, जिससे कहीं ना कहीं स्क्रीन भी हीट हो जाती है।
तो ये एक चीज खराब है दोस्तों। तो ये चार कॉन्स मुझे भी देखने को मिली। अब बात कर लेते कुछ प्रो की दोस्तों, तो इसमें अच्छी बात ये है कि दोस्तों सबसे बड़ी चीज दोस्तों आपको इस प्राइस में जो प्राइस में आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप मिलते हैं वहां आपको एसर कंपनी दे i5 12 जनरेशन के साथ ये लैपटॉप दे रहा, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। साथ में आपको इसमें 4GB की डेडिकेटेड ग्राफिक देखने को मिलती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों, काफी लोग मतलब बिजनेस पर्पस के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं। अगर आप गेमिंग लैपटॉप की तरफ अगर आप देखोगे, जहां आर्टिक्स वाली गेमिंग लैपटॉप को देख लो या 60-70,000 के, और बाकी ऑप्शन में अगर आप गेमिंग लैपटॉप देख लो तो उसमें काफी सारे RGB लाइट आपको देखने को मिलती है, जिस वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब बिजनेस में ले जाना या कॉलेज में ले जाना थोड़ा कुछ लोग को मतलब दिक्कत लगता है। लेकिन अगर आप इस लैपटॉप को देखिए तो इस लैपटॉप में आपको वाइट RGB के साथ मिल जाती है, तो वो एक बेनिफिट दे सकती है दोस्तों, वो भी इस प्राइस रेंज में, थिन एंड लाइट लैपटॉप की प्राइस रेंज में। सो दोस्तों ये कुछ थी इसकी प्रो, बाकी इसके और सारी फीचर्स काफी अच्छी है। साफ देख लोगे वाईफाई आपको इसमें काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, जहां आपको बिना लैग के साथ इसमें आपको वाईफाई अच्छा देखने को मिल जाती है। बाकी फिंगरप्रिंट्स भी आपको इस लैपटॉप में देखने को मिल जाती है। दोस्तों आई होप इस वीडियो में मैंने पूरी अच्छी तरीका से कवर करने का कोशिश किया हूं। अगर फिर भी कुछ रह गया हो दोस्तों तो आप मुझे वीडियो में सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही कॉन्टेंट के साथ। अगर कुछ कॉन्टेंट आप भी सजेस्ट करना चाहो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी नवरात्रि। बाय।